हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको भी कहानी सुनने का शौक़ है? अगर आपको भी कहानी सुनने का शौक़ है तो आज की वीडियो में हम आपके लिए बहुत सी कहानी लेकर आए हैं। तो हमारी पहली कहानी का नाम है राजधर्म। तो चलिए पहली कहानी राजधर्म मैं आपको सुनाता हूँ। तो चलिए राजधर्म कहानी स्टार्ट करते हैं। ब्रह्मदत्त विवेकशील राजा था। वह सत्यासत उचित अनुचित का सदा ध्यान रखता था। वह ऐसे व्यक्ति को ढूंढता था जो उसके दोषों को बता सके। प्रशंसा करने वाले तो सभी थे, दोष बताने वाला कोई नहीं मिलता था। अंतःपुर राजदरबार नगर के बाहर सभी जगह लोग राजा के गुणों का बखान करते थे, पर उसके अवगुण बताने वाला कोई नहीं था। राजा ने सोचा जनपद में कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो उसका दोष बता सके। अतः वेश बदल कर वह पूरे जनपद में घूमा, पर वहाँ उसे अपना गुण ही सुनने को मिला, दोष नहीं। फिर वह घूमता हुआ हिमालय प्रदेश पहुँचा। घने जंगलों और दुर्बल पर्वतों को पार करता हुआ वह सुरमय हिमालय प्रदेश में स्थित बोधिसत्व के आश्रम जा पहुँचा। उसने उन्हें श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया। बेसत्व ने राजा का कुशल क्षेम पूछा। फिर आश्रम में राजा एक ओर चुपचाप बैठ गया। बोधिसत्व जंगल से पके गोदे लाकर खाते थे। वे गोदे शक्तिवर्धक और शक्कर के समान मीठे थे। उन्होंने राजा को संबोधित कर कहा, महापुण्य, ये गोदे खाकर पानी पियो। राजा ने गोदे खाए और पानी पिया। उसे गोदे बड़े मधुर और स्वादिष्ट लगे। उसने बोधिसत्व से पूछा, बंते, क्या बात है, ये गोदे बड़े मीठे और स्वादिष्ट हैं। महापुण्य, राजा निश्चय ही धर्मानुसार और न्यायपूर्वक राज करता है, उसी से ये इतने मीठे हैं। राजा के आधार्मिक और अन्यायी होने पर तेल, मधु, शक्कर आदि तथा जंगल के फल फूल सभी कड़वे और स्वादहीन हो जाते हैं। केवल यही नहीं, सारा राष्ट्र ओजराहित हो जाता है और दूषित हो जाता है। राजा के धार्मिक और न्यायप्रिय होने पर सभी वस्तुएं मधुर और शक्तिवर्धक होती हैं और सारा राष्ट्र शक्तिशाली तथा ओजस्वी बना रहता है। भंते, ऐसा होता होगा, यह कहकर राजा अपना परिचय दिए बिना ही वो सत्व को प्रणाम कर अपनी राजधानी लौट आया। उसने सोचा, तपस्वी वो सत्व के कथन की परीक्षा करूँगा, अधर्म और अन्याय से राज करूँगा, देखूँगा कि वो सत्व की बात में कितनी सच्चाई है। राजा ने ऐसा ही किया। कुछ समय बीत जाने पर वह फिर बोधिसत्व के आश्रम में जा पहुंचा और उन्हें प्रणाम कर एक ओर बैठ गया। बोधिसत्व ने फिर पके हुए गोदे दिए। राजा को वे गोदे बड़े कड़वे लगे। राजा ने गोदे थूक दिए और कहा, भंते, ये बड़े कड़वे हैं। महापुण्य, राजा अवश्य अधार्मिक और अन्यायी होगा। राजा के अधार्मिक और अन्यायी होने पर जंगल के फल फूल तथा सभी वस्तुएं नीरस और कड़वी हो जाती हैं, स्वाद रहित हो जाती हैं। यही नहीं, सारा राष्ट्र ओज रहित हो जाता है। राजा ही नेता होता है। राजा के धर्म विमुख होने पर सारा राज्य दुख को प्राप्त होता है। गायों के नदी पर प्राप्त करते समय यदि बैल सीधा हो जाता है तो नेता के सीधे हो जाने के कारण सभी गायें सीधी हो जाती हैं और नदी पार कर जाती हैं। इसी प्रकार मनुष्यों में जो श्रेष्ठ माना जाता है वही नेता माना जाता है। यदि वह धर्म का अनुसरण करता है तो शेष प्रजा भी धर्म के मार्ग पर अपनाती है। राजा के धार्मिक होने पर सारा राष्ट्र सुख को प्राप्त करता है।
बोधिसत्व से यह शिक्षा प्राप्त कर राजा ने अपना राजा होना प्रकट किया और विनय पूर्वक बोला, भंते, मैंने ही पहले गोदे को मीठा फिर कड़वा किया, अब फिर उन्हें मीठा करूँगा और कभी उन्हें कड़वा नहीं होने दूंगा, यही मेरा संकल्प है और व्रत है। बोधिसत्व को प्रणाम कर वह राजधानी लौट आया। वह धर्म और न्यायपूर्वक राज्य करने लगा। उसका राज्य फिर धन धान से भर गया। दोस्तों, अब हम दूसरी कहानी पढ़ेंगे। उससे पहले आपको इस राजधर्म कहानी से क्या शिक्षा मिली है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं और कमेंट में राजधर्म लिखकर ज़रूर भेजें। दोस्तों, हमारी अगली कहानी का नाम है बहता पानी निर्मला। तो चलिए मैं आपको कहानी बहता पानी निर्मला सुनाता हूँ। मुझे बचपन से ही नक्शे देखने का शौक़ है। आप समझेंगे कि कुछ भूगोल विज्ञान की तरफ प्रवृत्ति होगी, नहीं, सौ बात नहीं। असल बात है कि नक्शों के सहारे दूर दुनिया की सैर का मज़ा लिया जा सकता है। यों तो वास्तविक जीवन में भी काफ़ी घूमा भटका हूँ, पर उससे कभी तृप्त नहीं हुई। हमेशा मन में यही रहा है कि कहीं और चलें, कोई नई जगह देखें। यात्रा करने के कई तरीके हैं। एक तो यह है कि आप सोच विचार कर निश्चय कर लें कि कहाँ जाना है और कब जाना है, कहाँ घूमना है, कितना खर्च होगा, फिर उसी के अनुसार छुट्टी लीजिए, टिकट कटवाइए, सीट या बर्थ बुक कीजिए, होटल डाक बंगले को सूचना देकर रिजर्व कराइए या भावी अतिथियों को खबर दीजिए और तब चल पड़िए। बल्कि तरीका तो यही एक है, क्योंकि यह व्यवस्थित तरीका है और इसमें मज़ा बिल्कुल नहीं है, यह भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे यात्रा करते हैं और बड़े उत्साह से भरे वापस आते हैं। दूसरा तरीका यह है कि आप इरादा तो कीजिए कहीं जाने का, छुट्टी भी लीजिए, इरादा और पूरी योजना भी चाहे घोषित कर दीजिए कि आप बड़े दिनों की छुट्टियां में बम्बई जा रहे हैं। लोगों को ईर्ष्या से कहने दीजिए कि अमुक बम्बई की सीजन देखने जा रहा है, मगर चुपके से पैक कर लीजिए ज़बरदस्त गर्म कपड़े और जाकर निकलिए बर्फ से ढके श्रीनगर में। अंग्रेजी में कहावत है कि एक कील की वजह से राज्य खो जाता है, वह यों कि कील की वजह से नाल, नाल की वजह से घोड़ा, घोड़े के कारण लड़ाई और लड़ाई के कारण राज्य से हाथ धोना पड़ता है। हमारे पास छिनने को राज्य तो था नहीं, पर एक दांत मांजने के ब्रश और मीटर की एक मामूली सी डिबरी के लिए हम कैसे मुसीबत में पड़े, यह हम ही नहीं जानते। सोनारी एक छोटा सा गांव है, अहोम राजाओं की पुरानी राजधानी शिवसागर से कोई 18 मील दूर। बरसात के दिन थे, रास्ता खराब था। एक दिन सवेरे घूमने निकला तो देखा कि नदी बढ़कर सड़क के बराबर आ गई। मैं शिवसागर से 3-4 मील पर था, सोचा कि एक नया दांत ब्रश ले लूं, क्योंकि पुराना घिस चला था, और मोटर की भी एक ठिबरी ठीक करवा लूँ। उसकी चूड़ी घिस जाने से थोड़ा थोड़ा तेल निकलता रहता है, वैसे कोई बहुत ज़रूरी काम नहीं था। खैर, इसमें कोई 2 घंटे लग गए, खाना खाने में 1 घंटा और। 3 घंटे बाद वापस लौटने लगे तो देखा सड़क पर पानी फैल गया है। पानी बड़े ज़ोर से एक तरफ से दूसरी तरफ बह रहा है, क्योंकि सड़क के एक तरफ नदी और दूसरी तरफ नीचे सतह के ध्यान से खेत है। जितनी और पानी बढ़ रहा था, पानी के धक्के से सड़क कई जगह टूट गई थी। मैं फिर भी बढ़ता गया, क्योंकि आखिर पीछे भी तो पानी ही था। पर थोड़ी देर बाद पानी कुछ और गहरा हो गया, उसके धक्के से मोटर भी सड़क पर हटकर किनारे की ओर जाने लगी। आगे कहीं कुछ दिख नहीं रहा था, क्योंकि सड़क की सतह शायद 2-3 मील आगे तक बहुत नीचे थी। सड़क के दोनों ओर जो पेड़ थे उनमें कईयों पर सांप लटक रहे थे, क्योंकि बाढ़ से बचने के लिए वे पहले सड़क पर आते थे और फिर पेड़ों पर चढ़ जाते थे।
मैंने लौटने का ही निश्चय किया, पर सड़क दिख नहीं रही थी। नहीं, अंदाज से मैं बीच पक्के हिस्से पर गाड़ी चला रहा था। मुड़ने के लिए उसे पटरी से उतारना पड़ेगा, और फिर इधर उधर सड़क है कि नहीं क्या भरोसा। और मैं एक जगह देख ही चुका था कि आंखों के सामने कैसा समूचा ट्रक दलदल में धंसकर गायब हो जाता है। इसलिए मोटर को बिना घुमाए उल्टे गियर में ही कोई 2.5 मील तक लाया। यहाँ सड़क कुछ ऊंची थी, उस पर गाड़ी घुमाकर शिव सागर पहुंचा। शिव सागर तो मोटर की डिबरी कसवाने थे और दूसरे दांत ब्रश और कुछ तेल साबुन लेना था। बस वह भी लौटने की जल्दी के कारण नहीं लिया था। इस सड़क से नदी तक तो पहुंच गए। नदी में नाव पर गाड़ी लाद भी ली और पार भी चले गए। यहाँ भी नदी में बड़ी बाढ़ आई थी और बहते हुए टूटे छप्पर बता रहे थे कि नदी किसी गांव को लीलता हुई आती है। एक भैंस भी बहती आई और पेड़ पौधों की तो गिनती क्या। उस पार नदी का कगारा ऊंचा था, मोटर के लिए उतारा बना हुआ था, लेकिन नाव से के किनारे जो तख्ते डाले गए थे वह ठीक नहीं लगे थे। मोटर नीचे गिरी आधी पानी में आधी किनारे पर। मैं जोर से ब्रेक दबाए बैठा था, पर ऐसे अधिक देर तक तो मैं नहीं चल सकता था। खैर, आधा घंटा उस स्वर्ग नसैनी पर बैठे बैठे असमिया हिंदी और बांग्ला खिचड़ी में लोगों को बताता रहा कि क्या करें। तब मोटर ऊपर चढ़ाई जा सकी। थोड़ा आगे ही ऊंची जगह गांव था, पर मोटर रोक कर चाय की तलाश की। यहीं सोनारी से आए 2 साइकिल सवारों से मालूम हुआ कि वे कंधे तक पानी में से निकल कर आए हैं। साइकिलें कंधों पर उठाकर और मोटरों को कदापि नहीं जा सकती। इस तरह इधर भी निराशा थी। पानी अभी बढ़ रहा था। यह गांव ऊंची जगह पर था, पर यहाँ कैद हो जाने में नहीं चाहता था। इसलिए फिर नाव पर मोटर चढ़ाकर उसी रास्ते नदी पार की। सबने मना किया। मेरे सर बहुत सवार था और हठधर्मी का अपना अनूठा रस होता है। रात शिव सागर पहुँचे। एक सज्जन ने ठहरने को जगह दी। भोजन बिस्तर का प्रबंध भी हो गया, पर मन ही मन अपने को कोसा कि न दांत ब्रश लेने के लिए सोनारी निकले होते, ना यह मुसीबत होती। क्योंकि इसकी ऐसी तत्कालिक ज़रूरत हो तो नहीं, न मोटर की डिबरी का मामला ही इतना ज़रूरी था। लेकिन अब उपाय क्या था। इस तरह 12 दिन और काटने पड़े, क्योंकि सोनारी के सब रास्ते बंद थे। लौट कर देखा, सोनारी के डॉक बंगले में भी पानी भर गया था। कपड़े सब सील कर सड़ रहे थे, किताबें तो गल ही गई थीं। बचा था तो केवल स्नान घर में ऊंचे तख्त पर रखा हुआ साबुन का डिब्बा और दांतों का ब्रश। नक्शे में अब भी देखता हूँ, वास्तव में जितनी यात्राएं स्थूल पैरों से करता हूँ उससे ज़्यादा कल्पना के चरणों से करता हूँ। लोग कहते हैं कि मैंने अपने जीवन में कुछ नहीं बनाया, मगर मैं बहुत प्रसन्न हूँ और किसी से ईर्ष्या नहीं करता। आप भी अगर इतने खुश हों तो ठीक, तो शायद आप पहले से मेरा नुस्खा जानते हैं। नहीं तो मेरी सलाह है, जनाब, अपना बोरिया बिस्तर समेटिए और जरा चलते फिरते नजर आइए। यह आपका अपमान नहीं है, एक जीवन दर्शन का निचोड़ है। रमता राम इसीलिए कहते हैं कि जो रमता नहीं वह राम नहीं, टिकना तो मौत है। दोस्तों, हमारी अगली कहानी है सांप मुक्त। तो चलिए सांप मुक्त कहानी को हम लोग आपको सुनाते हैं।
मैं बूढ़ी दादी की आंखों का इलाज कराने दिल्ली के एक बड़े प्रसिद्ध नेत्र चिकित्सक डॉक्टर प्रभात के पास गया। लगभग दृष्टिहीन हो चुकी दादी को सहारा दिए जब मैं डॉक्टर प्रभात के कमरे में पहुंचा तो उन्होंने मुस्कुराते हुए दादी का स्वागत किया। आओ आओ दादी अम्मा, कहाँ क्या तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं बेटा, बस बुढ़ापे की मारी हूँ। बुढ़ापे में नज़र कमज़ोर हो जाती है, पर मैं तो आँखों का डॉक्टर हूँ दादी अम्मा, बुढ़ापे का इलाज मेरे पास कहाँ? डॉक्टर प्रवाद ने हंसते हुए कहा। मेरी दादी भी कम विनोदी स्वभाव की नहीं थी, कहने लगी, कोई बात नहीं बेटा, तुम आँखों का ही इलाज कर दो, बुढ़ापे का इलाज तो भगवान के पास भी नहीं है। यह सुनकर डॉक्टर प्रभात हंस पड़े और दादी से बात करते हुए उनकी आंखों की जांच करने लगे। उन्होंने विस्तार से कई उपकरणों और यंत्रों की सहायता से दादी की आंखों की जांच की। बीच बीच में बातचीत और हंसी मजाक भी करते जाते थे। मैं चुपचाप बैठा डॉक्टर प्रभात की ओर देख रहा था। पहले तो मुझे उनकी हंसी ही कुछ जानी पहचानी लगी थी, फिर ध्यान से देखने पर उनका चेहरा भी कुछ परिचित सा मालूम हो गया, लेकिन याद नहीं आ रहा था कि मैंने इन्हें पहले कहाँ देखा है। आखिर जब उन्होंने दादी की आंखों में की पूरी जांच कर ली तो मैंने पूछ ही लिया, आप कहाँ के रहने वाले हैं डॉक्टर साहब? इलाहाबाद प्रयागराज का हूँ। डॉक्टर साहब बोले, मैं इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में रहता हूँ, क्यों? अरे हम भी इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज के ही हैं, दादी मुझसे पहले ही बोल उठी। अच्छा, बड़ी खुशी हुई डॉक्टर प्रभात ने सचमुच खुश होकर पूछा, इलाहाबाद में कहाँ रहते हैं आप लोग? दादी ने ज्यों ही हमारे इलाहाबाद वाले घर का पता ठिकाना बताया। डॉक्टर प्रभात ने मेरी तरफ देखा और अचरज भरी प्रसन्नता से बोले, अरे तुम बब्बू तो नहीं हो और तुम मंटू? हाँ भाई, मैं मंटू हूँ। वाह यार, तुम यूँ खूब मिले। तुम तो शायद जब दूसरी या तीसरी कक्षा में पढ़ते थे तभी अपने परिवार के साथ दिल्ली चले आए थे, है ना? आप वहाँ तो स्वप्न में भी आशा नहीं थी कि जीवन में फिर भी कभी तुमसे भेंट होगी। सच, बड़ी खुशी हुई तुमसे मिलकर। मुझे भी तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। तभी डॉक्टर प्रभात ने दादी का चेहरा ध्यान से देखा और अचानक उनकी मुस्कान लुप्त हो गई। चेहरा किसी दुखमय स्मृति में काला सा हो गया। दादी की अत्यधिक कमजोर आंखों को डॉक्टर के चेहरे का यह भाव परिवर्तन नजर नहीं आया। वे प्रसन्न होकर पूछने लगे, अच्छा तो तुम दोनों बचपन में साथ साथ खेले हो, यह तो बहुत अच्छा संयोग रहा, तुम तो अपने ही हुए डॉक्टर बेटा। हाँ, तुमने अपना नाम क्या बताया? मंटू। इलाहाबाद में हमारे पड़ोस में एक वकील रहते थे, उनके लड़के का नाम भी कुछ ऐसा ही था, बड़ा बदमाश लड़का था। डॉक्टर प्रभात ने कोई उत्तर नहीं दिया, वे सहसा बहुत गंभीर हो गए। दादी के लिए दवाई का पर्चा लिखते हुए उन्होंने कहा, ये बातें फिर कभी होंगी दादी अम्मा, बाहर और भी कई रोगी इंतजार कर रहे हैं, मैं तुम्हारी दवाई लिख रहा हूँ, बाजार से मंगवा लेना और दिन में 3 बार आंखों में डालते रहना, फिर अगले सप्ताह आज के ही दिन आ जाना, तुम्हारी आंखों का ऑपरेशन करना होगा, घबराना मत, ईश्वर ने चाहा तो तुम्हारी आंखें अच्छी हो जाएंगी। बाहर आते ही दादी ने मुझसे पूछा, यह उसी वकील का बेटा मटुआ था ना? हाँ दादी, बचपन में मेरे साथ पढ़ता था, बस तो अब इसके पास दोबारा आने की जरूरत नहीं, इस दुष्ट के हाथों अपनी आंखें नहीं फुड़वाऊंगी। कैसी बातें करती हो दादी, यह तो बहुत माना हुआ डॉक्टर है और अब तो अपनी जान पहचान का भी निकल आया, उसे दुष्ट क्यों कह रही हो? तू भूल गया इसने वहाँ इलाहाबाद में क्या किया था? क्या किया था दादी? अरे तुझे याद नहीं, इसने मोहल्ले की कुतिया के 3 पिल्लों की आंखें आग के पौधों का दूर डालकर फोड़ दी थी। मैं सचमुच ही सब कुछ भूला हुआ था, तूने ही तो यह बात हम लोगों को बताई थी।
इलाहाबाद में हमारे पड़ोसी वकील साहब की कोठी के पीछे एक बहुत बड़ा बाग और घास का मैदान था। मैं मंटू के साथ अक्सर वहाँ खेला करता था। बाग की मेड़ के पास आग के बहुत पौधे उगे हुए थे। एक दिन हम खेल में आग के पत्ते तोड़ने लगे। उधर से गुजरते हुए हमारे स्कूल के अध्यापक ने हमें देख लिया। उन्होंने हमें डांट लगाई और बताया कि आग के पत्ते कभी नहीं तोड़ने चाहिए, क्योंकि उन्हें तोड़ने से जो गाढ़ा ज़्यादा सफ़ेद दूध सा निकलता है, यदि आँखों में चला गया तो आदमी अंधा हो जाता है। यह जानकारी हम लोगों के लिए एकदम नई और विस्मयकारी थी। ठंड के दिन थे और मोहल्ले आवारा घूमने वाली एक कुतिया ने वकील साहब की कोठी के पीछे पड़ी सूखी टहनियों के ढेर से नीचे तो पिल्ले दिए थे। पिल्ले बड़े सुंदर थे। मैं और मंटू उनसे खेला करते थे। आग के दूध के भयानक असर की जानकारी मिलने के अगले दिन जब मैं स्कूल से आकर खाना खाने के बाद मंटू के साथ खेलने गया, तो मैंने देखा मंटू आग के पौधों के पास बैठा है और उसके घुटनों में दबा पिल्ला कैं-कैं कर रहा है। दो पिल्ले पास ही कूं-कूं करते इधर उधर भटक रहे थे। नज़दीक जाकर मैंने देखा, हैरान रह गया। मंटू आग के पत्ते तोड़ तोड़ कर उनका दूध पिल्ले की आंखों में डाल रहा है। यह तूने क्या किया बेवकूफ, पिल्ला अंधा हो जाएगा, मैंने चिल्ला कर कहा। मंटू ने उस पिल्ले को रख दिया और बोला, मैंने उन दोनों की आंखों में भी आग का दूध भर दिया है, अब देखेंगे ये तीन अंधे होते हैं या नहीं। उस गाढ़े चिपचिपे दूध से तीनों पिल्लों की आंखें बंद हो गईं। कुछ दिनों बाद आंखें तो शायद खुल गईं, लेकिन वे अंधे हो गए थे। मंटू ने इस पूरी कुकृत्य की जानकारी केवल मुझे ही दी थी। मैंने उसे उन प्यारे पिल्लों को अंधा बना देने के लिए बहुत बुरा भला कहा था और वकील साहब से शिकायत करने की धमकी भी दी थी। उसने गिड़गिड़ा कर मुझसे कहा था कि बड़े यह बात किसी को नहीं बताऊं। मैं शायद बताता भी नहीं, लेकिन जब उन तीनों पिल्लों में से दो दिन रात कूं कूं करते इधर से उधर भटकते मर रहे थे, मुझे बहुत दुख हुआ और उस दिन मैं बहुत रोया। सभी लोग मुझसे बार बार पूछने लगे कि मैं क्यों रो रहा हूँ। पहले मैंने क्या बात छुपाकर अपने मित्र मंटू को बचाने की कोशिश की, लेकिन फिर मुझे तीसरे पिल्ले का ध्यान आ गया जो अभी जीवित था, और उनकी जान बचाना मुझे मंटू को पिटाई से बचाने से ज़्यादा ज़रूरी लग रहा था। इसलिए मैंने रोते रोते सारी बात बता दी और उस पिल्ले की आंखों का इलाज करा देने की जिद पकड़ ली। सब लोगों ने मंटू को बुरा भला कहा। वकील साहब ने उसकी पिटाई भी की। मुझे भी बहुत कुछ सुनना पड़ा, क्योंकि मैं भी सब कुछ जानते हुए भी बात को तब तक छुपाए रखा जब तक दो पिल्ले मर नहीं गए। आखिर तीसरे पिल्ले को बचाने के लिए प्रयास किए गए। मैंने जिद करके उसे पाल लिया। पिताजी ने उसकी आंखों का इलाज भी कराया, लेकिन वह अंधा ही रह गया। माँ और दादी उसकी बड़ी सेवा करती थीं। मैं भी उसका बहुत ध्यान रखता था। उस समय तो उसकी जान बच गई, लेकिन जब वह बड़ा हो गया, एक दिन घर से बाहर निकल गया और सड़क पर किसी वाहन से कुचलकर मर गया। उस घटना को याद कर मैं हैरान रह गया। बचपन में तीन पिल्लों की आंखें फोड़ देने वाला मंटू आज इतना बड़ा नेत्र चिकित्सक। इससे भी ज़्यादा हैरानी की बात यह थी कि लगभग 35 साल पहले ही वह घटना, जिसे मैं भूल चुका था, दादी को अभी तक याद थी। निश्चय ही वह घटना प्रभात को भी याद होगी। तभी वह हम लोगों का परिचय पाते ही अचानक चुप, गंभीर और उदास ही हो गया था। लेकिन दादी बचपन की उस बात को लेकर अब तो डॉक्टर प्रभात को बुरा भला कहने ठीक नहीं। मैंने दादी को समझाने की कोशिश की, अब वो मंटू नहीं, देश के माने हुए देश चिकित्सक हैं। दूर दूर से लोग उनके पास आँखों को इलाज करने का, अब तक तो हजारों लोगों ने उनकी खोई हुई नेत्र ज्योति लौटा हो चुके होंगे।
क्या इतनी बड़ी सेवा से उनका बचपन का अबोध अवस्था में किया हुआ पाप अब तक धुल नहीं गया होगा। कुछ भी हो, मैं उससे अपनी आंखों का इलाज नहीं कराऊंगी, दादी ने निश्चय के स्वर में कहा। मैंने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वे डॉक्टर प्रभात से इलाज कराने को तैयार न हुए। आंखों में डालने की जो दवाई डॉक्टर प्रभात ने लिखकर दी थी, वह भी नहीं खरीदी। परिवार के सब लोगों ने उन्हें समझाया, लेकिन वो ट्रस्ट से मस नहीं हुई। आखिर शाम को मैंने डॉक्टर प्रभात को टेलीफोन किया और दादी की जिद के बारे में बताया। डॉक्टर प्रभात ने गंभीर होकर सब कुछ सुना और बोले, तुम अपने घर का पता बताओ, फिर मैं स्वयं आकर दादी अम्मा को समझाऊंगा। लगभग एक घंटे बाद डॉक्टर प्रभात हमारे घर में थे और दादी से कह रहे थे, दादी अम्मा, मैंने बचपन में जो पाप किया था उसे मैं आज तक नहीं भूला हूँ और मैं उस सांप को नहीं भूलता हूँ जो आपने मुझे दिया था। जब तक आप इलाहाबाद में रही थी, मुझे देखते ही कहने लगती थी, अरे कमबख्त मंडुआ, तुमने मासूम पिल्लों की आँखें फोड़ दी हैं, तेरी आंखें भी किसी दिन इसी तरह फूटेंगी। आपके सांप से मुझे अपने पाप का बोध हुआ और फिर मैंने फैसला कर लिया कि मुझे जीवन में नेत्र चिकित्सक ही बनना है। मेरी आंखें तो आपके सांप के कारण कभी न कभी फूटेंगी ही, पर उससे पहले मैं बहुत सी आँखों को रोशनी दे जाऊँगा। उन बहुत सी आँखों में जो दो आँखें आपको भी नहीं होंगी दादी अम्मा। डॉक्टर प्रभात की बातों में न जाने कैसा जादू था कि दादी ही नहीं, हम सबकी आँखें भर आईं। दादी तो इतनी भाव विह्वल हो उठी कि उन्होंने डॉक्टर प्रभात के पास बुलाकर हृदय से लगा लिया। उनके सिर पर इसने पूर्वक हाथ फेरते हुए उन्होंने कहा, जीते रहो मेरे लाल, तुम्हारी आंखों की ज्योति हमेशा बनी रहे। इसके बाद दादी ने मुझसे कहा, अरे बबुआ, तेरा बाल सखा आया है, इसकी खातिरदारी नहीं करेगा, जा इसके लिए अच्छी सी मिठाई लेकर आ। और सुन, इसने मेरी आंखों के लिए जो दवा लिखी थी ना, वह भी खरीद लाना। तो दोस्तों, अब हम आपको अगली कहानी सुनाएंगे जिसका नाम है स्कूल मुझे अच्छा लगा। जब तोतो चांद से नए स्कूल का गेट देखा तो वह ठिठक गई। अब तक जिस स्कूल में वह जाती थी उसका गेट सीमेंट के दो बड़े खम्भों का बना हुआ था और गेट पर बड़े बड़े अक्षरों में स्कूल का नाम लिखा था। पर इस स्कूल का गेट तो पेड़ के दो तीन तनों का था, उस पर टहनियाँ और पत्तों में भी थे। अरे यह गेट तो बढ़ रहा है, तोतो चांद ने कहा, यह बढ़ता जाएगा और एक दिन शायद टेलीफोन के खम्भे से भी ऊंचा हो जाएगा। गेट के ये दो खम्भे असल में पेड़ ही थे जिनकी उन्हें मौजूद थी। कुछ एक और पास पहुंचने पर तोतो चांद ने उसका गर्दन टेढ़ी कर स्कूल का नाम पढ़ना चाहा। टहनी पर टंगी नाम तख्ती भी हवा में टेढ़ी हो गई थी। तो मो ए गा को एन, तोतो चांद ने माँ से पूछना चाहती थी कि तो मो ए का मतलब क्या होता है। तभी अचानक उसे एक चीज़ दिखी और उसे लगा कि वह सपना देख रही थी। वह बैठ गई ताकि झाड़ियों के बीच से अच्छी तरह देख पाए। उसे अपनी आँखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। माँ, क्या वह सचमुच की रेलगाड़ी है? देखो, वहाँ स्कूल के मैदान में स्कूल के कमरे की जगह रेलगाड़ी के 6 बेकार डिब्बे काम में लाए जाते थे। तो चांद को ऐसा लगा कि वो सपना तो नहीं देख रही है। रेलगाड़ी में स्कूल, डिब्बों की खिड़कियाँ, सूरज की प्रातःकालीन धूप में चमक रही थीं, लेकिन झाड़ियों के बीच दो झांकती गुलाबी गालों वाली एक नन्ही लड़की की आँखों और भी अधिक चमक रही थीं। क्षण भर बाद ही तोतो चांद खुशी से चिल्लाई और रेलगाड़ी के डिब्बे की ओर भागी। भागते भागते मुड़कर ही माँ से कहा, जाओ जल्दी करो, बिना हिले डुले खड़ी इस गाड़ी में हम झट से चढ़ जाते हैं। तुम अभी अंदर नहीं जा सकती, माँ ने उसे रोकते हुए कहा, ये कक्षाएं हैं और तुम तो अभी स्कूल में दाखिला तक नहीं हुई हैं।
अगर सचमुच इस ट्रेन में चढ़ना चाहती हो तो तुम्हें हेडमास्टर जी के सामने कायदे से पेश आना होगा। अब हम उनसे मिलने जाएंगे। अगर सब कुछ ठीक रहा तो तुम इस स्कूल में आ सकोगी, समझे? माँ ने कहना तो चाहा कि प्रश्न यह नहीं कि तुम्हें स्कूल अच्छा लगता है, यह नहीं बल्कि यह है कि हेडमास्टर जी तुम अच्छी लगती हो या नहीं। पर उनसे कुछ कहा नहीं, माँ के उसका हाथ थाम लिया और वे हेडमास्टर जी के दफ्तर की ओर बढ़ने लगी। हेडमास्टर जी का दफ्तर रेलगाड़ी के डिब्बे में नहीं था, वह दाहिने हाथ की ओर एक मंजिले भवन में था। वहां पहुंचने के लिए 7 अर्धगोलाकार पत्थर की सीढ़ियां चढ़नी होती थीं। तोते चांद माँ ने अपना हाथ छोड़ा तक सीढ़ियां चढ़ने लगी। अचानक वह रुकी और मुड़ी। क्या हुआ? माँ ने पूछा। मन में भय था कि कहीं तोते चांद ने स्कूल के बारे में अपना विचार न बदल दिया हो। सबसे ऊपरी सीढ़ी पर खड़ी तोते चांद गंभीरता से फुसफुसाई, जिससे हम मिलने जा रहे हैं, वे जरूर स्टेशन मास्टर होंगे। वह झुकी, अपना चेहरा तोते चांद के चेहरे के पास ले गई और फुसफुसाई। क्यों? तोते चांद ने धीरे से कहा। तुमने कहा था कि है वे हेडमास्टर, पर अगर वे सारे डिब्बे रेलगाड़ी के डिब्बे के मालिक हैं तो वे स्टेशन मास्टर हुए ना? माँ को मानना पड़ रहा था कि रेलगाड़ी के डिब्बे में स्कूल चलाना कुछ अनूठी बात थी, पर फिलहाल समझाने का समय नहीं था। माँ ने सिर्फ इतना ही कहा, तुम अपने ही क्यों ना पूछ लेती, तुम अपने डैडी के बारे में क्या सोचती हो? वे वायलिन बजाते हैं और उनके पास ढेरों वायलिन हैं, पर उन इससे अपना घर वायलिन की दुकान तो नहीं बन जाता? नहीं, हाँ, दुकान तो नहीं बन जाता अपना घर। तोते चांद ने माँ का हाथ थामते हुए सहमति जताई। वे हेडमास्टर जी। जब माँ और तोते चांद दफ्तर में गई तो कुर्सी पर बैठे सज्जन उठे खड़े हुए। उनके सिर पर बाल कम चले गए थे, कुछ दांत ही गायब हो गए थे, पर चेहरा उनका स्वस्थ लगता था। बड़े लंबे भी थे, नहीं थे वे सज्जन, पर उनके कंधों पर बाहों में मजबूती लगती थी। जल्दी से झुककर तोते चांद ने नमस्ते किया और तब उत्साह से पूछा, आप स्कूल मास्टर हैं या स्टेशन मास्टर? माँ अकुलाई, पर इसके पहले वे कुछ सफाई दे देती। सज्जन हंस पड़े और बोले, मैं स्कूल का हेडमास्टर हूँ। तोते चांद की खुशी का ठिकाना ना रहा। मुझे बड़ी खुशी हुई, उसने कहा कि अब आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ, मैं आपके स्कूल में पढ़ना चाहती हूँ। हेडमास्टर जी ने तोते चांद को कुर्सी पर बैठने को कहा। फिर माँ की ओर मुड़कर वे बोले, आप घर जा सकती हैं, मैं तोते चांद से बात करना चाहता हूँ। तोते चांद को थोड़ी सी उलझन हुई, पर उसने सोच कर देखा तो लगा कि सामने बैठे सज्जन से बात करना उसे बुरा नहीं लगेगा। तो मैं इसे आपके पास छोड़े जा रही हूँ, माँ ने कहा और दफ्तर से निकलकर दरवाज़ा बंद कर दिया। हेडमास्टर जी ने एक कुर्सी खींची और तोते चांद की कुर्सी के सामने रखी। तब दोनों आमने सामने बैठ गए तो उन्होंने कहा, अब तुम मुझे अपने बारे में सब कुछ बताओ, कुछ भी तो तुम बताना चाहो बताओ, जो मुझे अच्छा लगे मैं बताऊं। तोते चांद ने सोचा था कि वे प्रश्न करेंगे और मुझे उत्तर देने होंगे, पर जब उससे यह कहा तो वह किसी भी चीज के बारे में बोल सकती थी तो उसे बड़ा अच्छा लगा। वह तुरंत बोलने लगी। उसने जो कुछ कहा वह था तो काफी गड़गड़ाहट पर वे आए थे, पर कितनी तेजी से चली थी। उसने बताया कि उसने टिकट बाबू से कहा कि वे शिक्षिका कितनी सुंदर हैं, आबाबील का घोंसला कैसा था, उसका भूरा कुत्ता रॉकी कैसे कैसे करिश्मे दिखा सकता है। उसने बताया कि वह कैंची मुंह में डालकर चलाया करती है, पर उसकी शिक्षिका ने उसे ऐसा करने से मना किया था क्योंकि उन्हें डर था कहीं तोते चांद की जीभ न कट जाए, पर वह फिर भी वैसा ही करती रही। उसने बताया कि पापा कितने अच्छे तैराक हैं,
और तो और वे गोता भी लगा सकते हैं, वह लगातार बोलती गई। हेडमास्टर जी कभी हंसते कभी सिर हिलाते और कहते, अच्छा फिर। तोते चांद इतनी खुश थी कि वह आगे बोलती जाती, बोलते बोलते आखिर उसके पास बोलने को कुछ नहीं बचा। अब उसका मुंह बंद था, वह अपने दिमाग पर जोर डाल रही थी, सोच कर रही थी आगे क्या कहें। मुझे और कुछ बताने को तुम्हारे पास क्या कुछ भी नहीं है, हेडमास्टर जी ने पूछा। ऐसे में चुप रहना कितने शर्म की बात है। तोते चांद ने सोचा कि कितना अच्छा मौका है, क्या वह किसी भी चीज़ के बारे में और कुछ भी नहीं बता सकती। उसने मन में सोचा, अचानक उसे कुछ सूझा। हाँ, वह अपनी फ्रॉक के बारे में बताएगी जो उसने पहन रखी है। वैसे उसके ज़्यादातर कपड़े माँ खुद ही सीती हैं, पर वह फ्रॉक दुकान से खरीदी थी। जब मैं वह दोपहर के बाद स्कूल से घर लौटती थी तो अक्सर उसके कपड़े फटे होते थे। माँ को समझ नहीं आता कि वे ऐसे कैसे फटे होंगे। उसने हेडमास्टर को बताया कि ऐसा कैसे हो जाता है। असल में उसके कपड़े इसलिए फटते थे क्योंकि वह दूसरों के बगीचों में झाड़ियों के बीच में घुसती थी। साथ ही वह खाली ज़मीन के चारों ओर लगे कटीले तारों के नीचे से घुसती थी। इसलिए आज सुबह तैयार होने के बारी आई तो माँ ने सिली हुई सारी फ्रॉकें फटी निकली और उसकी खरीदी हुई फ्रॉक पहननी पड़ी। फ्रॉक पर लाल और सलेटी रंग में चेक बनी थी। कपड़ा जर्सी का है, फ्रॉक इतनी बुरी भी नहीं, पर माँ को लगता है कि कलर पर कड़े लाल फूल फुहड़। माँ को कॉलर इतनी बड़ी बुरा भी नहीं है कि माँ को लगता है कि कॉलर पर पड़े फूल फाहड़। माँ को कॉलर पसंद नहीं थी। तोते चांद के कॉलर उठाकर हेडमास्टर जी को दिखाया, लेकिन इसके बाद खूब सोचने पर भी तोते चांद ने कुछ और सोचा। उससे बात से कुछ दुख हुआ, लेकिन तभी हेडमास्टर जी उठ खड़े हुए। उन्होंने अपना प्यार भरा बड़ा सा हाथ उसके सिर पर रखा और कहा, अब तुम इस स्कूल की छात्रा हो। ठीक यही शब्द थे उनके, और उस समय तोते चांद को लगा कि वह जीवन में पहली बार किसी ऐसे व्यक्ति से मिली जो उसे सच में अच्छा लगता हो। असल में इससे पहले किसी ने उसे इतनी देर बोलते नहीं सुना था। और तो और उसे सुनते ही समय हेडमास्टर जी ने एक बार सुनना उतना ही अच्छा लगा था जितना कि उसे बोलना। इस दिन से पहले या उसके बाद किसी वयस्क ने तोते चांद की बात इतने लंबे समय तक नहीं सुनी। फिर पिछली शिक्षिका को यह जानकर भी आश्चर्य होता था कि एक 7 साल की लड़की लगातार 4 घंटे बोलने का मसला भी जुटा सकती है। हेडमास्टर जी के सामने वह अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही थी। वह बहुत खुश थी, वह हमेशा हमेशा के लिए उनके साथ ही रहना चाहती थी। ये भावनाएं थीं तोते चांद की। यह उसने दिन हेडमास्टर सोया कोवासी के बारे में, सौभाग्य से हेडमास्टर जी की भावनाएं थीं उसके प्रति ठीक ऐसी ही थी। दोपहर का भोजन, जब हेडमास्टर जी तोते चांद को वह जगह दिखाने ले गए जहां बच्चे दोपहर का खाना खाते थे, हम ट्रेन में नहीं खाते थे, उन्होंने समझाया, बल्कि लगातार में खाते खाते शुभसागर उन सीढ़ियों के ऊपर था जिन चढ़कर तोते चांद पहले ही आई थी। जब वे पहुंच गए थे, लेकिन हल्ला करते हुए मेज पर कुर्सियां उठा खिसका कर उन्हें एक गोले घेरे में लगा रहे थे। वे शुभसागर के एक कोने में खड़े बच्चों को देखते रहे। तोते चांद ने हेडमास्टर जी के एक जैकेट का किनारा खींचा और पूछा, बाकी बच्चे कहाँ हैं? बस इतने ही जितने यहाँ मौजूद हैं, उन्होंने उत्तर दिया। बस इतने ही? तोते चांद को विश्वास नहीं हुआ। उसके पिछले स्कूल की एक कक्षा में जितने बच्चे थे, केवल उतने ही बच्चे मौजूद थे। आपका मतलब है कि पूरे स्कूल में करीब 50 ही बच्चे हैं? हाँ, बस इतने ही, हेडमास्टर जी ने कहा।
तुम लोग, हेडमास्टर जी ने मेजों के घेरे में घूमते हुए कहा। वे हरा एक बच्चे के डिब्बे में झांक रहे थे और बच्चे खुशी से किलकारियां मार रहे थे। वाह क्या मजा है, तोते चैन ने सोचा, पर कुछ समुद्र से और कुछ पहाड़ से क्या मतलब होता। कितना अलग है यह स्कूल पर है। अच्छा ही उसने इससे पहले पता ही नहीं था कि स्कूल में दोपहर का खाना भी इतने आनंद की बात से हो सकती थी। हेडमास्टर जी हर मेज पर रुककर डिब्बों में झांक रहे थे और दोपहर की हल्की धूप उनके कंधों पर नल्हा रही थी। तोते चांद का स्कूल जाना। हेडमास्टर के यह कहने के बाद ही कि अब तुम स्कूल की छात्रा हो, तोते चांद बेसब्री से अगले दिन का इंतजार कर रहे थे। इस सप्ताह से उसने कभी किसी दिन का इंतजार नहीं किया। अक्सर माँ को उसे सुबह स्कूल के लिए बिस्तर छुड़वाने में भी परेशानी होती थी, पर उस दिन वह दूसरों से पहले उठकर तैयार हो गई और अपना बस्ता पीठ पर बांधे इंतजार करने लगी। माँ को बहुत कुछ करना था। तोते चांद को नाश्ता देकर वह लंच बॉक्स बनाने में जुट गई। उसमें कुछ समुद्र से और कुछ पहाड़ से भी तो डालना था। माँ ने रेलगाड़ी के पास को एक और प्लास्टिक की थैली में डाला और एक डोरी से उसे तोते चांद के गले में लटका दिया ताकि वह खो न जाए। बिल्कुल, तोते चांद ने जूते पहने और सामने का दरवाजा खोला। तब वह मुड़ी और शिष्टता से झुककर बोली, अच्छा गुड बाय। तोते चांद को यौ निकलते देख माँ की आंखें बरवस भर आईं। कितना कठिन था यह मानना कि उसकी चुलबुली बिटिया, जो हम आज इतनी खुशी से इस स्कूल में जा रही है, हाल ही में एक स्कूल से निकाली जा चुकी थी। उसने दिल से प्रार्थना की, इस बार सब शुभ हो। दोस्तों, अब मैं आपको एक दूसरी कहानी सुनाऊंगा जिसका नाम है सतसाहत। तो चलिए सतसाहत मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। संसार के काम बड़े अथवा छोटे साहस के बिना नहीं होते। संसार के सभी महापुरुष साहसी थे, बिना किसी प्रकार का साहस दिखलाए किसी जात या किसी देश के इतिहास ही नहीं बन सकता। अपने साहस के कारण ही अर्जुन, भीम, भीष्म, अभिमन्यु आदि आज हमारे हृदय में जागरूक हैं। आल्पस पर्वत के विशाल शिखरों को पार करने वाले हनीवल और नेपोलियन का नाम वीरवरों के नाम के साथ केवल उनके अतुलनीय साहस के कारण ही लिया है। आज यह साहस का ही प्रभाव है जिससे तैमूर, बाबा शिवजी, क्रोमवेल, रणजीत सिंह और संग्राम सिंह जैसे सामान्य व्यक्तियों को कुछ ऐसा कुछ कर दिया। सत्साहस के लिए केवल साहस प्रकट करना ही अभिष्ट नहीं। सूरवंश के क्रूर कर्मा बादशाह मोहम्मद आदिल पर भरे दरबार में कितने ही सिरों और धड़ों को धरड़ी पर गिराकर एक मुसलमान युवक ने आक्रमण करने का असीम साहस प्रकट किया था। कारण यह था कि बादशाह ने उसके पिता की जागीर जब्त कर ली थी। इसी से युक्त युवक ने इसके साहस का काम किया। युवक मारा गया, उसके साहस और उसकी निर्भीकता को कुछ ठिकाना नहीं था, परंतु क्रोधाधंध होकर स्वार्थ में ऐसा साहस करने से युवक का यह कार्य किसी प्रकार प्रशंसनीय नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार का साहस चोर और डाकू भी कभी कभी कर गुजरते हैं। राजा महाराजा भी अपने कुत्सित इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए कभी कभी इससे भी बढ़कर साहस के काम कर डालते हैं। ऐसा साहस निच श्रेणी का साहस है। मध्यम श्रेणी का साहस प्राय सूरवंशी में पाया जाता है। वह उनके उच्च विचार और निर्भीकता को भली बात प्रकट करता हुआ इस प्रकार के साहस वाले मनुष्यों में बेप्रवाही और स्वार्थहीनता की कमी नहीं होती, परंतु उनमें ज्ञान की कमी अवश्य पाई जाती है। अकबर बादशाह के दो राजपूत नौकरी के लिए आए। अकबर ने उनसे पूछा कि तुम क्या करते हो। वे बोले, जहां अपना
करके दिखलाएं या केवल कहकर, बादशाह ने करके दिखलाने की आज्ञा दी। राजपूतों ने घोड़ों पर सवार होकर अपने अपने बर्चे संभाले और अकबर के सामने ही एक दूसरे पर वार करने लगे। थोड़ी देर बाद एक एक दूसरे पर बेहतर टूट पड़े। बादशाह के देखते देखते दोनों घोड़ों से नीचे आ गिरे और मगर कर ठंडे हो गए। इस प्रकार का साहस निसंदेह प्रशंसनीय, परंतु ज्ञान की आभा की कमी के कारण निस्तेज सा प्रतीत होता है। सर्वोच्च श्रेणी का साहस के लिए हाथ पैर की बलिष्ठता आवश्यक नहीं, धन मन आदि का होना भी आवश्यक नहीं। जिन गुणों का होना आवश्यक है वे हैं हृदय की पवित्रता, उदारता और चरित्र की दृढ़ता। ऐसे गुणों की प्रेरणा से उत्पन्न हुआ साहस तब तक पूर्णतया प्रशंसनीय नहीं कहा जा सकता जब तक उसमें एक और गुण सम्मिलित न हो। इस गुण का नाम है कर्तव्य परायणता। कर्तव्य का विचार प्रत्येक साहसी मनुष्य में होना चाहिए। इस विचार से शून्य होकर कोई भी मनुष्य फिर चाहे उसके और विचार कैसे ही उन्नत क्यों ना हो, मानव जाति की कुछ भी भलाई नहीं कर सकता। अपने कर्तव्य से अभिनग्य मनुष्य कभी भी परोपकारगढ़ या समाज हित चिंतक नहीं हो सकता। बिना इस विचार के मनुष्य अपने विचार नहीं कहीं अपने शरीर अथवा अपनी आत्मा का उपकार नहीं कर सकता। कर्तव्य ज्ञान शून्य मनुष्य को मनुष्य नहीं पशु समझना चाहिए। उच्च कोटि के साहस के लिए कर्तव्य परायण बनना परमावश्यक है। कर्तव्य परायण व्यक्ति के हृदय में यह बात अवश्य होनी चाहिए कि जो कुछ मैंने किया यह केवल अपना कर्तव्य किया। हृदय में यह बात अवश्य होनी चाहिए कि जो कुछ मैंने किया यह केवल अपना कर्तव्य किया। मारवाड़ के मुरादा गांव का जमींदार बुद्धिधन सिंह किसी झगड़े के कारण स्वदेश छोड़कर जयपुर चला गया और वहीं बस गया। थोड़े ही दिनों बाद मराठों ने मारवाड़ पर आक्रमण किया। यद्यपि बुद्धिधन मारवाड़ को बिल्कुल ही छोड़ चुका था तथापि शत्रुओं के आक्रमण का समाचार पाकर और बुद्धिधन मारवाड़ को बिल्कुल ही छोड़ चुका था तथापि शत्रुओं के आक्रमण का समाचार पाकर और मातृभूमि को संकट में पड़ा हुआ जानकर उसका रक्त उबल पड़ा। स्वदेश ने उसे बतला दिया यह इस समय ऐसा नहीं कि तू अपने घरेलू झगड़ों को याद करे, उठ और अपना कर्तव्य पालन कर। इस विचार ने उसे इतना मतवाला करा दिया कि वह अपने 150 साथियों को लेकर बिना किसी से पूछे जयपुर से तुरंत चल पड़ा। देश भर में मराठे फैले हुए थे, उन्हें उनके बीच में होकर निकलना जाना कठिन काम था, परंतु बुद्धिधन के साहस के सामने उस कठिनता को मस्तक झुकना पड़ा। एक दिन अपने मुट्ठी भर साथियों के लिए वह मराठों के बीच से होकर निकल ही गया। इस तरह निकल जाने से उसके बहुत से साथी रणक्षेत्र रूपी अग्निकुंड से आहत हो गए। जीवित बचे हुए बुद्धिधन सिंह भी था, वह समय पर अपने देश और राजा के सेवा के लिए पहुंच गया। इन गुणों के अतिरिक्त सत्यसाही के लिए स्वार्थ त्याग भी परमावश्यक है। इस संसार में हजारों ऐसे काम हुए हैं जिनको लोग बड़े उत्साह से कहते हैं और सुनते हैं। उन कामों को वे बहुत अच्छा समझते हैं और उनके करने वालों को सराहता, परंतु उनके कर्मों में थोड़े से ही ऐसे हैं जो स्वार्थ से खाली हैं। समय पड़ने पर अपनी जान पर खेल जाने अथवा असमान साहस प्रकट करने में सदा आत्मसर्ग नहीं होता, क्योंकि बहुधा ऐसा काम करने वाले यश के लोभ से
अपने नाम को कलंकित होने से बचाने के इरादे अथवा लूटमार के द्वार धनोपार्जनक करने की इच्छा से ऐसे मदाधंध हो जाया करते हैं कि वे अपने मतलब के लिए कठिन काम करने में संकोच नहीं करते। सत्यशाही व्यक्ति में एक गुप्त शक्ति रहती है जिसके बल से वह दूसरे मनुष्य को दुख से बचाने के लिए प्राण तक देने को प्रस्तुत हो जाता है। धर्म, देश, जाति और परिवार वालों के एक ही लिए कहें किंतु संकट में पड़े हुए अपमार्जक व्यक्ति की सहायता भी उसे शक्ति की प्रेरणा से यह हमारे संकटों का सामना करने को तैयार हो जाता है। अपने प्राणों की वह लेस मात्र भी परवाह नहीं करता, हर प्रकार के क्लेशों को प्रसन्नतापूर्वक सहता और स्वार्थ के विचारों को वह फटकने तक नहीं देता है। सत्य साहस के लिए अवसर ही राह देखने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि सत्य साहस दिखाने का अवसर प्रत्येक मनुष्य के जीवन में पल पल में आया करता है। देश, काल और कर्तव्य का विचार करना चाहिए और स्वार्थ रहित होकर साहस न छोड़ते हुए कर्तव्य परायण बनने का प्रयत्न करना चाहिए। तो दोस्तों, हमारी अगली कहानी का नाम है स्वतंत्र भारत के परमवीर। तो चलिए मैं आप लोगों को स्वतंत्र भारत के परमवीर कहानी सुनाता हूँ। रमेश कक्षा 7 में पढ़ता है। उसका दादा भारतीय सेना में सूबेदार मेजर पद से अवकाश ग्रहण कर घर आ गए हैं। रमेश प्रतिदिन शाम को युद्धों से संबंधित रोचक घटनाएं दादा से सुनता रहता है। दादाजी को सेना में बहादुरी के लिए सेना मेडल मिला हुआ है। दादाजी से सुनी कहानियों को रमेश स्कूल में अपने कक्षा के दोस्तों रहमान के सब तथा मंजरी को सुनाता रहता है। एक दिन रमेश के इन मित्रों ने तय किया कि वे रमेश के घर जानकर दादाजी से मिलेंगे और उनसे युद्ध संबंधी ढेर सारी जानकारियां प्राप्त करेंगे। सभी बच्चे दादाजी से मिलने रमेश के घर पहुंचते हैं। प्रस्तुत है दादाजी के साथ बच्चों की वार्ता का एक अंश। बच्चे, दादाजी प्रणाम। दादाजी, बच्चों खुश रहो, मुझको पता था कि आज तुम लोग आने वाले हो। आओ सब लोग मेरे पास बैठो। रमेश, दादाजी ये सभी मेरे सबसे अच्छे मित्र हैं। ये सभी देश की रक्षा में वीर जवानों के योगदान के बारे में जानना चाहते हैं। दादाजी, ठीक है बच्चों, तुम क्या जानना चाहते हो? केशव, दादाजी आपको सेना में बहादुरी के लिए सेना मेडल मिला हुआ है। हम जानना चाहते हैं कि भारतीय सेना का सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है? दादाजी, हमारे देश में सैनिकों को दिए जाने वाले पदकों में परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च सैन्य अलंकरण है, जो दुश्मनों के बीच में उच्च कोटि की शूरवीरता एवं त्याग के लिए प्रदान किया जाता है। इस प्रकार की स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी, जब भारत गणराज्य घोषित हुआ था। रहमान, दादाजी परमवीर चक्र सम्मान सबसे पहले किसे प्रदान किया गया था? दादाजी, सबसे पहला परमवीर चक्र सम्मान मेजर सोमनाथ शर्मा को दिया गया था। रहमान, उनके बारे में हमें विस्तार से बताइए। दादाजी, हमने उन्हें देखा तो नहीं, किंतु हमारे यूनिट में उनकी बहादुरी की चर्चा अक्सर होती रहती है। मेजर सोमनाथ शर्मा का जन्म हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में 31 जनवरी 1923 को हुआ था। उनके पिता मेजर जनरल अमरनाथ शर्मा थे। मेजर सोमनाथ 3 नवंबर 1947 को अपनी कंपनी के साथ कश्मीर घाटी के बड़गांव में गश्त पर थे। लगभग 500 की संख्या में दुश्मनों ने उन्हें तीन तरफ से घेर लिया। युद्ध में कंपनी के सैनिक तेजी से हताहत होने लगे। मेजर शर्मा ने अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाते हुए बहादुरी के साथ दुश्मनों का सामना करने को कहा।
स्वयं गोलीबारी की परवाह न करते हुए वे कपड़े की मदद से अपने वायुयानों को दुश्मनों के ठिकाने का संकेत देते रहे। जब सैनिकों की संख्या कम होने लगी तब वे स्वयं मशीन गन की मैगनीज भरकर सैनिकों तक पहुंचने लगे। उस समय उन्होंने अपने बाएं हाथ में चढ़ी प्लास्टर की भी परवाह न की। तभी अचानक एक बम उनके करीब आ गिरा और वे शहीद हो गए। शहीद होने से पहले उन्होंने ब्रिगेड हेडक्वार्टर को अंतिम मैसेज दिया था, दुश्मन हमसे केवल 50 गज की दूरी पर हैं, हमारे सैनिक शहीद होते जा रहे हैं, हम भारी गोलीबारी के बीच किंतु हम पीछे नहीं हटेंगे और अंतिम सैनिक व अंतिम गोली रहने तक लड़ेंगे। मंजरी, दादाजी रमेश ने मुझे बताया था कि आपने कारगिल युद्ध में दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए थे। कारगिल युद्ध में किन सूरवीरों को परमवीर चक्र दिया गया? दादाजी, कारगिल की लड़ाई बहुत विपरीत परिस्थितियों में लड़ी गई थी। दुश्मन की चालाकी और विश्वासघात से हम अनजान थे। हमारी सेना के जवानों ने हर परिस्थिति का सामना करते हुए विजय प्राप्त की। मैं तुम्हें अपने उत्तर प्रदेश के रणबांकुरी कैप्टन मनोज पांडे के बारे में बताता हूँ। कैप्टन मनोज पांडे का जन्म 25 जून 1975 को सीतापुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम गोपी चंद्र तथा माता का नाम मोहिनी था। कारगिल युद्ध के दौरान खालूबार को फतेह करने का जिम्मा कैप्टन मनोज पांडे की कंपनी को दिया गया था। कैप्टन पांडे को युद्ध में कंपनी की अगुआई करते आगे बढ़ना था। जैसे ही कंपनी आगे बढ़ी उन पर दो तरफ की पहाड़ियों से, जिन पर दुश्मन ने बंकर बना रखा था, जबरदस्त गोलीबारी होने लगी। उन्होंने तुरंत हवलदार भीम बहादुर की टुकड़ी को आदेश दिया कि वह दाहिनी तरफ के दो बंकरों पर हमला कर उन्हें नाकाम करे। वे स्वयं बाईं तरफ के 4 बंकरों को नष्ट करके के लिए पर हमला कर उन्हें नाकाम करे। वे स्वयं बाईं तरफ के 4 बंकरों को नष्ट करने के लिए आगे बढ़े। एक के बाद एक करके 4 दुश्मनों को मार गिराया। इस कार्यवाही में वे बुरी तरह से जख्मी हो गए, किंतु वे इसकी परवाह किए बिना 2 बंकरों को नष्ट करते हुए 3रे बंकर की ओर बढ़े। उसे नष्ट कर जब 4थे बंकर की ओर बढ़कर उसे नष्ट करने के लिए आक्रमण किया, तभी दुश्मन की गोली उनके माथे पर लगी और वे शहीद हो गए। किंतु उनके द्वारा फेंके गए ग्रेनेड से 4था बंकर भी नष्ट हो गया। उनकी इस वीरता के लिए उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। केशव, कैप्टन मनोज पांडे के बारे में हमने भी समाचार पत्रों में पढ़ा था। देश के लिए कुर्बान होने वाले इन वीर जवानों को हम सलाम करते हैं। दादाजी, क्या कारगिल युद्ध में उत्तर प्रदेश के अन्य सैनिकों को भी यह सम्मान मिला है? दादाजी, हाँ मिला है ना। उत्तर प्रदेश के निवासी ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव को सबसे कम आयु में परमवीर चक्र से सम्मानित होने का गौरव प्राप्त है। इनका जन्म बुलंदशहर जनपद के औरंगाबाद अहीर गांव में 10 मई 1980 को हुआ था। सन 1999 ईस्वी में जम्मू कश्मीर के कारगिल क्षेत्र की 16 से 18 हज़ार फुट ऊंची पहाड़ियों पर पाकिस्तानी घुसपैठियों ने कब्जा जमा लिया था। इन घुसपैठियों ने श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाले महत्वपूर्ण राजमार्ग पर गोलीबारी आरंभ कर दी। 2 जुलाई को कमांडिंग अफसर कर्नल कुसर ठाकुर के नेतृत्व में ग्रेनेडियर योगेंद्र को टाइगर हिल पर कब्जा करने का आदेश मिला। दल में ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव सहित 7 कमांडो शामिल थे। टाइगर हिल पर घुसपैठियों को 3 चौकियां बनी थीं। पहली चौकी पर कब्जा कर 7 कमांडो वाला दल आगे बढ़ा। कुछ ही दूर आगे बढ़ने पर दुश्मन की ओर से अंधाधुंध गोलीबारी हो गई।
जिसमें दो सैनिक शहीद हो गए। दोनों सैनिकों को वापस छोड़ शेष 5 जाबाज सैनिक आगे बढ़े, किंतु पुनः एक भीषण हुई जिसमें 4 कमांडर और शहीद हो गए और बचे केवल योगेंद्र सिंह यादव। हालांकि वह भी बुरी तरह से घायल थे, उनके हाथ में एक और जांग में 2 गोली लगी थी। उनके बाएं हाथ की हड्डी टूट गई थी और हाथ ने काम करना बंद कर दिया था, फिर भी वे हिम्मत नहीं हारे। हाथ को बेल्ट से बांधकर पौधे के बल चलना आरंभ किया और इस स्थिति में भी कई घुसपैठियों को मार गिराया। प्रकार दूसरी चौकी पर भी कब्जा हो गया। योगेंद्र सिंह ने अकेले ही अपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए चौकी पर शेष बचे घुसपैठियों को मार गिराया और तीसरी चौकी पर भी कब्जा कर लिया। इसी बीच उन्होंने पाकिस्तानी कमांडर की आवाज़ सुनी, जो अपने सैनिकों को 500 फुट नीचे भारतीय चौकी पर हमला करने के लिए आदेश दे रहा था। इस जानकारी को अपनी चौकी तक पहुंचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगाकर योगेंद्र सिंह ने पत्थरों पर लुढ़कना प्रारंभ किया तथा जानकारी देने में सफल भी रहे, जिससे दुश्मनों को खदेड़ कर भारतीय चौकी को बचा लिया। रहमान, दादाजी ये वीर तो अद्भुत हैं। ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव ने मात्र 19 वर्ष की आयु में जो वीरता दिखाई है, उस पर हम सभी को गर्व है। हमारी इच्छा और सूरवीरों के बारे में जानने की हो रही है। दादाजी, मैं तुम लोगों को कारगिल की लड़ाई में इस सम्मान को पाने के लिए राइफलमैन संजय कुमार के बारे में बताना चाहता हूँ, जो मेरे ही प्लाटून का सैनिक था। संजय कुमार की बहादुरी को मैंने अपनी आंखों से देखा था। मुस्को घाटी पर स्थित चौकी नंबर 4875 पर फतेह किए बिना द्रास के हेलीपैड पर अपना हेलीकॉप्टर उतारना सीधे दुश्मन के निशाने पर आना था। इस स्थिति में 4 जुलाई 1999 को राइफलमैन संजय कुमार जब हमले के लिए आगे बढ़े, तो दुश्मनों ने ऑटोमेटिक गन से जबरदस्त गोलीबारी आरंभ कर दी और आगे बढ़ना कठिन हो गया था। स्थिति की गंभीरता का देखते हुए संजय कुमार ने यह तय किया कि उस ठिकाने को अचानक हमले से खामोश कर दिया जाए। इसी इरादे से संजय कुमार ने यकायक हमला कर आमने सामने में 3 दुश्मनों को मार गिराया। इस आकस्मिक आक्रमण से दुश्मन बौखलाकर भाग खड़े हुए और अपना मशीन गन भी छोड़ गए। इसमें संजय कुमार पीछे नहीं हटे और दुश्मनों की मशीन गन से ही उनका सफाया करना आरंभ कर दिया और तब तक जूझते रहे जब तक वह पॉइंट दुश्मनों से पूरी तरह खाली नहीं हो गया। इस वीर सैनिक का जन्म 3 मार्च 1976 को बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में हुआ था। उनके इस अदस्य साहस के लिए भारत सरकार ने उन्हें परमवीर चक्र से अलंकृत किया। मंजरी, दादाजी मेरे पिताजी कारगिल युद्ध में शहीद कैप्टन विक्रम बन्ना की चर्चा अक्सर घर में करते हैं, आप उनके बारे में हमें बताएं। दादाजी, 9 सितंबर 1976 में हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में पैदा हुए कैप्टन विक्रम बन्ना दिसंबर 1997 में अपनी शिक्षा समाप्त कर सोपोर में सेना की 13 जम्मू कश्मीर राइफल्स में लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्त हुए। 1 जून 1999 को कारगिल युद्ध के दौरान हम्प और राकी नाव स्थान को जीतने के बाद उन्हें कैप्टन बना दिया। कैप्टन विक्रम बन्ना को श्रीनगर ले मार्ग के ठीक ऊपर सबसे महत्वपूर्ण चोटी 5140 को पाक सेना से मुक्त करवाने का जिम्मा दिया। वह क्षेत्र बहुत ही दुर्गम था, फिर भी विक्रम बन्ना ने अपने साथियों के साथ 20 जून 1999 को सुबह 3:30 बजे इस चोटी को अपने कब्जे में ले लिया।
इसके बाद पॉइंट 48-15 को भी चोटी को अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद पॉइंट 48-15 को भी कब्जे में लेने की बागडोर इन्हें सौंपी गई। इस अभियान में उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना अभूतपूर्व वीरता का परिचय दिया और वीरगत को प्राप्त हुए। इस अदम्य साहस के लिए उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। बच्चे, दादाजी अपने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले इन वीरों के बारे में बताकर हम बच्चों को बहुत मनोबल बढ़ाया है। अंत में सभी बच्चों ने दादाजी को पैर छूकर प्रणाम किया और अपने अपने घर लौट गए। दोस्तों, अब हम अगली कहानी पढ़ेंगे जिसका नाम है जिसके हम मामा हैं। तो उसे पढ़ने से पहले आपको इस कहानी जिसका नाम है स्वतंत्र भारत के परमवीर, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए अब हम अगली कहानी सुनते हैं जिसके हम मामा हैं। एक सज्जन वाराणसी पहुँचे। स्टेशन पर उतरे ही थे कि एक लड़का दौड़ता आया। मामा जी, मामा जी, लड़के ने लपक कर चरण छुए। वे पहचाने नहीं, बोले, तुम कौन? मैं मुन्ना। आप पहचाने नहीं मुझे मुन्ना? वे सोचने लगे, हाँ मुन्ना, भूल गए आप मामा जी। खैर कोई बात नहीं, इतने साल भी तो हो गए, तुम यहाँ कैसे? मैं आजकल यहीं हूँ। अच्छा, हाँ। मामा जी अपने भांजे के साथ वाराणसी घूमने लगे। चलो कोई साथ तो मिला, कभी इस मंदिर कभी उस मंदिर। फिर पहुँचे गंगा घाट, सोचा नहा लें। मुन्ना, नहा लें? ज़रूर नहाइए मामा जी, वाराणसी आए हैं और नहाए नहीं, यह कैसे हो सकता है? मामा जी ने गंगा में डुबकी लगाई। हर हर गंगे, बाहर निकले तो सामान गायब हो, कपड़े गायब, लड़का भी गायब। मुन्ना, ए मुन्ना, मगर मुन्ना वहाँ हो तो मिले, तौलिया लपेट कर खड़े हैं। क्यों भाई साहब, आपने मुन्ना को देखा? कौन मुन्ना? वही जिसके हम मामा हैं। मैं समझा नहीं। अरे हम जिसके मामा हैं वो मुन्ना, वे तौलिया लपेट यहाँ से वहाँ दौड़ते रहे, मुन्ना नहीं मिला। भारतीय नागरिक और भारतीय वोटर के नाते हमारी यही स्थिति है। मित्रों, चुनाव के मौसम में कोई आता है और हमारे चरणों में गिर जाता है। मुझे नहीं पहचाना, मैं इस चुनाव का उम्मीदवार होने वाला AP। मुझे नहीं पहचाना, आप प्रजातंत्र की गंगा में डुबकी लगाते हैं, बाहर निकलने पर आप देखते हैं कि वह शख्स जो कल आपके चरण छूता है, आप वोट लेकर गायब हो गया है। वोटों की पूरी पेटी लेकर भाग गया। समस्याओं के घाट पर हम तौलिया लपेटे खड़े हैं, सबसे पूछ रहे हैं कि साहब वह कहीं आपको नजर आया? अरे वही जिसके हम वोटर हैं, वही जिसके हम मामा हैं। 5 साल इसी तरह तौले लपेटे घाट पर खड़े बीत जाते हैं। दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिली हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अब हम लोग अगली कहानी पढ़ेंगे जिसका नाम है भविष्य का भय। तो चलिए भविष्य का भय कहानी अब हम लोग आपको सुनाते हैं। स्कूल से लौटकर आज तुलतुल ने ना तो खाना ही खाया और ना पार्क में खेलने गई। मुंह फुलाकर चुपचाप छत की सीढ़ियों वाले दरवाजे के पास बैठ गई। इस समय यहाँ कोई नहीं आता, इसलिए गुस्से, दुख और अपमान से आहत होकर तुलतुल यहीं दौड़ी आई थी। किताब का थैला रख ही रही थी कि दादी माँ बोल पड़ी, लो आगे बहादुर लड़की और बहादुरी का फल भी देख लो। खैर तुम्हारा क्या, भोगना तो हम लोगों को है। तुरंत माँ बोल उठी, हम क्यों भोगने जाएं? जिसको बहादुरी का फल मिला है वही भोगे। आज से तुलतुल बर्तन धोएगी, झाड़ू पोंछा करेगी, मसाला पीसेगी। इसी के कारण तो टुन्नी की माँ काम छोड़कर भाग गई। भैया ने भी साथ नहीं दिया, बल्कि माँ की हाँ में हाँ मिलाकर, माँ ठीक कह रही हैं, इसके लिए यही उचित है। हाँ, सभी तुलतुल को ही दोष दे रहे हैं,
उसी से तंग आकर टुन्नी की माँ नौकरी छोड़कर चली गई। माँ मेज पर खाना लगा रही थी और बोलती भी जा रही थी, खाना खाकर बदन में ताकत लाओ, फिर काम में जुट जाओ। तुल तुल, जब किसी का कहा कुछ सुनेगी नहीं तो और क्या होगा, लेकिन क्या तुल तुल ऐसा खाना खाएगी। तुल तुल ने स्कूल की यूनिफॉर्म नहीं उतारी, बस तीर की भांति छत पर सीढ़ी पर जाकर बैठ गई। पहले तो उसे थोड़ा रोना आया, स्कूल से लौटते ही इतनी भूख लगती है, पर तुल तुल रोई नहीं बल्कि यही सोच रही थी कि मेहरी को उसने किस तरह से तंग किया था। कल स्कूल से लौटते ही मेहरी को उसने सिर्फ इतना ही तो कहा था, और टुनी की माँ इतनी ठंड में टुनी को सिर्फ फ्रॉक पहनाई है और उस पर उससे चाय के बर्तन धुलवा रही हैं। टुनी की माँ बोली थी, हर रोज़ थोड़े ही धोती है, जल्दी के समय बस थोड़ा हाथ भर बटा देती है। तुल तुल कहने लगी, वाह क्या खूब कही तुमने, तुम कैसी माँ हो, यह भी नहीं जानती कि अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष है। और फिर टुनी की माँ की आश्चर्य से भरी आँखों को देखकर तुल तुल बोली, ओफ तुम तो इस बात के माने ही नहीं समझोगी, सुनो हमारी मिस ने कहा। टुनी की माँ हाथ का काम छोड़कर बोली, किसने कहा। अरे बाबा, हमारे स्कूल की मास्टर दीदी समझी कुछ, उन्होंने कहा है यह जो नया साल चल रहा है यह साल छोटे छोटे लड़के लड़कियों का है, इस साल छोटे छोटे लड़के लड़कियों की ज़्यादा देखभाल करनी होगी और उन्हें प्यार करना पड़ेगा, अच्छा अच्छा खाना देना होगा, अच्छे अच्छे कपड़े पहने और जूते पहनने के लिए देने होंगे, उन्हें पढ़ना लिखना होगा, बच्चे बीमार ना पड़े उसका भी ख्याल रखना होगा, बच्चों को कोई काम नहीं करवाया जाएगा। बात समझ में आई। टुनी की माँ थोड़ा हंसकर बोली, आई समझ में, और फिर अपनी लड़की से कहा, मुंह फाड़े बात निकलने की ज़रूरत नहीं, जल्दी जल्दी हाथ चला। तुल तुल ने गुस्से के मारे कहा, खाक समझी, खबरदार टुनी जो तुमने फिर पानी छुआ, इतनी ठंड है और उससे भी अधिक ठंडे पानी में हाथ डुबोकर चाय के बर्तन धो रही है, कह रही हूँ छोड़ दे। तुल तुल की मिस ने कहा, हमारे घरों में जो काम करने आते हैं यानी जो बर्तन मांजते हैं, कपड़े धोते हैं, झाड़ू पोंछा करते हैं, उसके बच्चों को ही यदि हम सिर्फ थोड़े प्यार की आँखों से देखें, अगर कोशिश करें कि वो थोड़ा अच्छा खा लें, सर्दी के दिनों में पूरा बर्तन ढकने का कपड़ा मिल जाए, पढ़ने लिखने की सुविधाएं दी जाएं, बीमारी में दवा मिल जाए, तो लगेगा दुनिया में हमने कुछ अच्छा काम किया। हालांकि तुम सभी अभी बच्चे ही हो, और फिर भी अभी से सोचना सीखो कैसे दुनिया में किसी के काम आओगे। एक बात ध्यान में रखना, दुनिया में सभी आदमी बराबर हैं, सभी छोटे बच्चों को प्यार पाने और देखभाल किए जाने का अधिकार है। तो फिर मिस के कहे अनुसार क्या तुल तुल कोशिश भी नहीं करेगी। और फिर टुनी तो तुल तुल से भी छोटी है, दुबली पतली हड्डियों का ढांचा मात्र दिखती है, ऐसी टुनी ठंडे पानी से बर्तन धोएगी और तुल तुल गर्म पानी से हाथ मुंह धोकर गर्म कपड़े पहनकर गर्म गर्म पूरियां खाएगी। रोज़ रोज़ ऐसा ही होता था, यह सच है, पर अब तुल तुल बड़ों का ऐसी भूल नहीं करने देगी। आज तुल तुल समझ गई कि ऐसा करना बहुत ख़राब है, अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष में टुनी जैसे बेचारों बच्चों की देखभाल होनी ही चाहिए। इसलिए तो तुल तुल चिल्लाकर बोली, माँ नाश्ता दो, और फिर टुनी से कहा, ए टुनी मेरे साथ चल पूरियां खाएंगे। सुनकर माँ वहीं से बोली, ओ तुल तुल तू बेमतलब में देर क्यों कर रही है, पूरियां उसे भी दूंगी, पहले तू खा। क्यों, पहले मैं खाऊंगी, तू अभी भी अभी स्कूल से आई है, अच्छा टुनी को भी पूरियां दे रही हूँ, तू बैठ। टुनी की माँ तुल तुल से बोली, जाओ मुन्नी, देर करने पर माँ डांटेंगी, आज क्या तुम्हें भूख नहीं लगी है। टुनी तू तब तक कोयला तोड़ दे, सुबह के लिए चूल्हा तैयार कर छोड़ूं, फिर क्या था। तुल तुल ने
टुनी के हाथ से कोयला तोड़ने का हथौड़ा छीनकर फेंक दिया और बोली, माँ की बात कभी मत सुनना, यह बालवर्ष है, समझी? बालवर्ष में बच्चों को काम कराना मना है। आज से तू डिपो से दूध लेने नहीं जाएगी, माँ के साथ सड़क से सड़ा हुआ गोबर नहीं उठाएगी। बात समझ में आ रही है ना? दिमाग में कुछ घुसा? तुलतुल की इतनी बातों को जवाब में टुनी डरी डरी से बोली, हथौड़ा लौटा दे दीदी, नहीं तो माँ मुझे डांटेंगी। डांटने तो दो, मिस की कह दूंगी, मजाक चखा देती, तू अब भी क्यों खड़ी है, आना मेरे साथ। इतना कहकर टुनी का हाथ पकड़कर तुलतुल उसे खींचती हुई खाने की मेज पर लाई। कुछ लगा नहीं था पर वह बेवकूफ लड़की रोने लगी। असल में वह डांट के डर से रो पड़ी। तुलतुल क्या से समझ नहीं हो रही है? उसकी माँ जल्दी से जल्दी संदेश के खाली बक्से में 4-5 पूरियाँ, थोड़ी सी आलू और सूखी सब्जी और थोड़ा सा गुड़ रखकर बोली, जा टुनी माँ के पास जाकर खा ले। टुनी जान बचाकर भागी। तुलतुल ने मन ही मन निश्चय कर लिया कि कल से अगर माँ ने टुनी को भी एक ऐसा खाना नहीं दिया तो तुलतुल भी खाना नहीं खाएगी। उसने माँ से कह भी दिया, बोली, मैं तो अच्छी भली मोटी हूँ फिर भी इतना खाना देती हो, और टुनी चिड़िया जैसी है, उसे कुछ नहीं देती। जानती नहीं माँ, यह बालवर्ष है। माँ बोली, जानती हूँ, ज़्यादा बक बक मत कर लड़की, लड़की के सिर पर तो भूत सवार हुआ है, लेकिन भूत जमकर बैठ गया हो तो कोई चारा भी नहीं है। सच में दाखिला करवाना चाहिए, और आजकल तो स्कूल में फीस भी नहीं देनी पड़ती, किताब कॉपी सब मुफ्त मिलते हैं, टिफ़िन में खाना भी मुफ्त मिलता है। सच पापा? हाँ मुन्नी, बिल्कुल सच, यह नियम हो गया है। तो फिर टुनी हिसाब हल कर पाएगी? क्यों नहीं, सीखने पर ज़रूर कर सकेगी, किताब पढ़ सकेगी पापा, ज़रूर पढ़ सकेगी। कल सुबह जैसे ही वे लोग आएंगे, टुनी को पकड़कर स्कूल में बैठा आऊँगा। तुलतुल खुशी के मारे झूम उठी, आह कल अब बड़ा मज़ा आएगा। स्कूल में पहुँचते ही तुलतुल मिस को जाकर कहेगी, मिस मैंने आपका कहना माना, हमारे घर में जो काम करती है उसकी लड़की को ही स्कूल में ही। तो तुलतुल ने यहीं कर लिया। स्कूल में मिस के सामने यह सब नहीं चलेगा, स्कूल में गंभीर शांत सब ढंग से बात करनी पड़ती है। रात में सोते समय तुलतुल का मन बड़ा खुश था। सोते समय उसने माँ को निर्देश दिया, कल मेरे साथ टुनी भी खाना देना, माँ टुनी को भी अच्छी अच्छी चीज़ें खाने के लिए देना, समझी ना माँ? माँ नाराज होकर बोली, सब समझ गई, तार तार समझ गई, अब जरा बकना बंद कर और कृपा करके सो जा। तुलतुल परंत सो गई, और माँ सुबह उठकर तुलतुल ने देखा, यह क्या, यह सुबह तो रोज की तरह सुबह है, पापा को उन्हें ले जाने की कोई जल्दी ही नहीं, पापा घर ही नहीं थे, और टुनी ज्यों ही त्यों फटी फ्रॉक पहनकर चाय के ढेर से सारे बर्तन धो रही थी। तुलतुल नल के नीचे से टुनी को खींचकर बोली, कल क्या कहा था? टुनी बेवकूफ की तरह अपनी माँ को देख रही थी। टुनी की माँ बोली, मुन्नी को क्या हो गया, दिमाग फिर गया है क्या? तुलतुल सीधे दुमंजिले पर पहुंची, और कल शाम माँ से जो कपड़े लिए थे उन्हें लाकर टुनी को पहनने के हुक्म दिया, और बोली, पापा के लौटते ही स्कूल जाएंगे, समझी? और उसके पहले तू मेरे साथ खाना खाएगी, याद रहेगा। क्या ऐसे टुनी की माँ को तंग करना कहा जाएगा? उसे तो उस समय स्कूल जाने के लिए नहीं कहा था, खाना खाते समय
टोनी को देखकर तुलतुल चिल्लाकर उसे पुकारने लगी। दादी माँ बोली, टोनी अपने माँ से पूछने गई। क्या पूछने गई है? क्या स्कूल जाएगी या नहीं, यह अपने पापा से नहीं पूछेगी क्या? तुम्हारे कहने से ही होगी। टोनी की माँ इसलिए बर्तन छोड़कर लड़की को लेकर घर पहुँचने गई। दादी माँ की बात तो थोड़ी थोड़ी ठीक लगती, पर तुलतुल का थोड़ा डर भी था टोनी के पापा कहीं उसे स्कूल जाने से मना ना कर दें। इन लोगों को कोई भरोसा नहीं। अभी अभी तो टोनी की माँ बोली थी कि पढ़ने लिखने से करीब आदमी का काम चलेगा कैसे, फीस नहीं लगेगी, किताब के पैसे नहीं लगेंगे। यह सुनकर भी टोनी की माँ चुप रही। यह बात घर जाकर वह जरूर कहेगी। तुलतुल जब जूते मोजे पहन रही थी, पापा बाजार से लौट आए। तुलतुल बोली, ओ पापा आप बड़े डेंजरस हैं, इतनी देर कर दी आपने। टोनी भी देर कर रही है, उसके आते ही स्कूल में लेकर आ जाएगा। यही पास के स्कूल में भर्ती करवा दीजिएगा, वहाँ बिना जूते मोजे पहने भी देते हैं। पापा टोनी बेचारी के पास तो कुछ नहीं है, जब वह पास कर जाएगी आप उसे जूते मोजे खरीद कर देंगे ना पापा? फिर पापा का जवाब सुनने से पहले ही स्कूल की बस आ गई थी, और अब शाम को बस ही उतरते ही उसे यह सुनना पड़ा कि टोनी की माँ ने तुलतुल की हरकतों से तंग आकर काम छोड़ दिया। तो वह जो अधमंजे बर्तन को छोड़कर चली गई थी, फिर वापस नहीं लौटी। पड़ोस के घर की सुखदा भी उसी मोहल्ले की है, माँ के उसे भेजा था, पर टोनी की माँ ने कहलवा दिया कि वह अब काम नहीं करेगी। इसके मारे टोनी की माँ का पापा से पूछने जाना एक बहाना था, बकवास था। वह स्कूल के डर से भाग गई। राजबोझ है, कितनी बेवकूफ़ है वह। घर के जो बड़े लोग हैं उनसे कोई तो टोनी की माँ को दोष नहीं दे रहा, सभी तुलतुल को बेवकूफ़ी की बात कर रहे हैं। और ये लोग सभी पढ़े लिखे लोग हैं, लोग तो जानते हैं बाल वर्ष में क्या क्या करना चाहिए, रोज का अखबार पढ़ते हैं। असल में बड़ों को समझा ही नहीं जा सकता, बड़े लोग कभी बोलते हैं तो कभी कुछ, उनके सभी काम बड़े उल्टे किस्म के हैं। उस बार की तो बात है, तुलतुल जलापाईगुड़ी में नाना के घर गई थी। नाना जी ने तुलतुल को दया के सागर विद्यासागर पुस्तक खरीद दी। उस समय वे क्या बोले थे, महान व्यक्तियों की जीवनी पढ़ तुलतुल, जितना हो सके ऐसी किताबें पढ़ना, समझी पढ़ाना और इनके आदर्शों पर चलना। ओ माँ, उसके कई दिनों के बाद की बात है, जलापाईगुड़ी में बड़ी ठंड पड़ी थी। एक गरीब लड़का कोई पुराना कपड़ा मांग रहा था। तुलतुल ने अपना पहना हुआ कार्डिगन खोलकर उसे दे दिया। बाप रे, नाना जी ने ऐसी डांट लगाई कि क्या कहना, पागल सिरफिरी लड़की कहकर नाना जी और फिर कुछ बड़बड़ाने लगे। क्यों विद्यासागर, क्या अपने शरीर के कपड़े उतार कर गरीबों को नहीं देते थे? नाना जी बाद में हंसकर मजाक करते हुए बोले, अब कान पकड़ता हूँ, किसी को विद्यासागर की जीवनी नहीं खरीद कर दूँगा। इतना कीमती ऊनी कार्डिगन इस लड़की ने सड़क के भिखारी को दे दिया, रास्ते के भिखारी को नहीं देगी तो क्या तुलतुल पैसे वालों के लड़के लड़कियों को देगी? देने पर भी वे क्या लेंगे, और तुलतुल उन्हें देगी भी क्यों, उनके पास है नहीं है क्या? नीचे से भैया की आवाज़ सुनाई दी, ऐ तुलतुल खाना खाने आना, छत पर क्यों बैठी है? तुलतुल का मन डोल उठा, पेट में चूहे कूद रहे थे, फिर भी तुलतुल कठोर बनी बैठी रही। इतने में ही वह हिम्मत हार जाएगी। मिस ने यह भी कहा था कि कितने बच्चों को एक बार भरपेट खाना भी नहीं मिलता। भैया ने फिर पुकार कर कहा, बर्तन धोने के डर से नीचे नहीं उतर रही है क्या? हाँ 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 हाँ, ही 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 ही, इतना डरने की क्या ज़रूरत, तुम्हारा कसूर माफ़ कर दिया जाएगा। तुलतुल ने भी चिल्लाकर बोलना चाहा, दंड किस चीज़ का, मैंने क्या कोई गलती की है?
पर वह कुछ बोल नहीं पाई, उसकी आवाज़ रुंध गई। अब दादी माँ ने पुकारा, पूरियाँ ठंडी पड़ रही हैं। इसके बाद ही माँ आई, यह क्या नखरा हो रहा है तुम्हें? क्या सचमुच ही बर्तन मांजने और कपड़े धोने के लिए कहा गया है? सर्दी के दिनों में काम का आदमी छूट जाए तो कैसा लगता है? तू क्या समझेगी? कोई तुम्हें बेमतलब डांटना थोड़े ही चाहता है। ले अब चल, उठ, खाना खा ले, ज़्यादा नखरे की ज़रूरत नहीं। तुल तुल गुस्से में ही बोली, मैं नहीं जाती, जाओ, मैं नहीं आऊँगी। ठीक है, आने दो, तुम्हारे पापा को, लाडली बेटी को इतना प्यार करने का मज़ा भी दे देख लें। बेटी की हाँ में हाँ मिलाकर बोले, हाँ हाँ टूनी को स्कूल में दाखिला दिला देना अच्छा रहेगा, पर तू ही सोच, टूनी अगर स्कूल जाने लगेगी तो उसकी माँ का कैसा गुजारा होगा? टूनी कितना हाथ बटाती है। तुलतुल के गले में दुगनी ताकत थी, झटक कर बोली, यही तो खराब है। मिस ने कहा है छोटे छोटे बच्चों से काम कराना बहुत बड़ा पाप है, समझी? तुम सभी पापी हो। पर माँ इस भयंकर बात को सुनकर भी नहीं घबराई, बल्कि हंसकर बोली, क्या करूँ, तू बोल। पापी संसार में जन्म लिया है, पापी बनकर रह रही हूँ। इस दुनिया को नए सिरे से बदलने की क्षमता तो मेरी है नहीं, और अगर ऐसा न किया जाए तो इस संसार का उद्धार भी नहीं होने होगा। तुम जब बड़ी होगी तो इसे बदल डालना। तुम और तेरे दोस्त सभी मिलकर हम लोगों की तरह का पाप तुम लोग नहीं करना। इस बात से न जाने क्या हुआ, अचानक तो दोस्तों हमारी अगली कहानी का नाम है क्या निराश हुआ जाए। तो चलिए मैं आपको लोगों को वो कहानी सुनाता हूँ जिसका नाम है क्या निराश हुआ जाए। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है समाचार पत्रों में ठगी डकैती चोरी तस्करी और भ्रष्टाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी नहीं रह गया। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है, जो जितने ही ऊँचे पद पर हैं उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता, जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों का बड़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होते, यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुड़ी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविन्द्रनाथ ठाकुर और मनमोहन दास मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गैबर में डूब गया? आचार्य और द्राविड़ हिंदू और मुसलमान यूरोपीय और भारतीय आदर्शों को मिलन भूमि मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया? मेरा मन कहता है ऐसा ही नहीं हो सकता, हमारे महान मनीषियों के सपनों को भारत है और रहेगा। यह सही है कि इन दिनों का कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरी और भोले भाले श्रमजीव पिस रहे हैं और झूठ पर फरेब का रोजगार करने वाले फूल रहे हैं। ईमानदारी की मूर्खता को पर्याय समझा जाने लगा है, सच्चाई केवल भेरू और बेवस लोगों के हिस्से पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है, परंतु ऊपर जो कुछ दिखाई दे रहा है वह बहुत ही हाल की मनुष्य निर्मित नीतियों की त्रुटियों की देन है। सदा मनुष्य बुद्धि नई परिस्थितियों का सामना करने के लिए नए सामाजिक विधि निवेशों को बनाती है, उनके ठीक साबित न होने पर उन्हें बदलती है। नियम कानून सबके बनाए जाते हैं, पर सबके लिए कभी कभी एक ही नियम सुखकर नहीं होते। सामाजिक फायदे कानून कभी युग से परिचित आदर्शों से टकराते हैं, इससे ऊपरी सतह आलोपड़ित
भी होती है, पहले भी हुआ है आगे भी होगा, उसे देखकर हताश हो जाना ठीक नहीं है। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक तत्व स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। लोभ मोह काम क्रोध आदि विकार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत निष्कृष्ट आचरण है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना, उन्हें सदा संयम के बंधन में बांधकर रखने का प्रयत्न किया है, परंतु भूख की अपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की अपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने की उपायों की अपेक्षा नहीं की जा सकती। हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि उद्योग वाणिज्यिक शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति उन्नत और सुचारू बनाने के लिए लक्ष्य से प्रेरित हैं, परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। प्राय वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपने सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। संशय सब समय आदर्शों द्वारा चालित नहीं होता। जितने बड़े पैमाने पर इन क्षेत्रों में मनुष्य की उन्नति के विधान बनाए गए उतनी ही मात्रा में लोभ मोह जैसे विकार भी विस्तृत होते गए। लक्ष्य की बात भूल गए, आदर्शों को मजाक का विषय बनाया गया और संयम को दकियाने सोनी मान लिया गया। परिणाम जो होना था वह हो रहा है। यह कुछ थोड़े से लोगों के बढ़ते हुए बोझ का नतीजा है, परंतु इससे भारतवर्ष के पुराने आदर्श और भी अधिक स्पष्ट रूप से महान और उपयोगी दिखाई देने लगे हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरु हैं वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। इस बात के पर्याप्त परिणाम खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहे भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। अब भी सेवा ईमानदारी सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूरी दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तित्व जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मन संग्रह करते हैं। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष का उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है और दोषों घटना को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना और बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जागती है। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दिया। मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में जाकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। कैसे कहूँ कि सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं, परंतु यह एक घटना
ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। एक बार लेखक बस में यात्रा कर रहा था। उसके साथ उसकी पत्नी और 3 बच्चे थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए, कंडक्टर उतर गया और साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा तो नहीं दिया जा रहा है। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा, यहाँ डकैती होती है, 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया, परिवार सहित वह अकेला ही था, बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे, पानी का कहीं ठिकाना ना था, ऊपर आदमियों का डर समा गया था। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगीं। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से लेखक की ओर देख रहा था। हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में भी था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं, परंतु यात्री इतने घबरा गए कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है, कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया गया है। लेखक भी बहुत भयभीत था, ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। लेखक के बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। उसकी पत्नी की हालत बहुत बुरी थी। लोगों में ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतार कर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती तो ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। इसी समय लेखक क्या देखता है कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस पर बैठिए, वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास 1 लोटे पानी और थोड़ा सा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वहीं दूध मिल गया, थोड़ा आया और ले आया। यात्रियों में फिर जान आई, सबने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुँच गए। कैसे कहूँ मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई, कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया नहीं रही। जीवन में जाने कितने ऐसी घटनाएं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। ठगा भी गया, धोखा भी खाया हूँ, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया तो जीवन कष्ट कर हो जाएगा, परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है जब लोगों के आक्रण की सहायता किए निराश मन को ढाढ़स दिया है और हिम्मत बांधी है। कविवर रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े तो ऐसा अवसर पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह ना करूं। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं तो इन्हें बदलना होगा। वास्तव में आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी हुई है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरे मन निराश होने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, अब मैं आपको अगली कहानी सुनाऊंगा जिसका नाम है कर्तव्य पालन। दोस्तों, ये कहानी एक नाटक की तरह है, तो इसमें बहुत से पात्र हैं जो मैं आपको पहले बताता हूँ। तो इसमें पात्र हैं एक राजा, वनरक्षक जो जंगल का रखवाला होता है, और राजा के दरबारी। तो चलिए मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। स्थान, जंगल का रास्ता। समय, शाम। राजा जंगल से निकलकर एक रास्ते के किनारे खड़ा है। राजा एकाएक पहुंचकर या तो किसी के घर का रास्ता है या सबके लिए खुला नहीं हो सकता,
खड़े खड़े होठों पर उंगली रखकर मैं राजा हूँ। आश्चर्य है अंधेरा मेरी कुछ भी परवाह नहीं करता, वह बढ़ता ही आ रहा है। मामूली आदमी की तरह मैं भी भूल और भटक सकता हूँ। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशाएं भी जो मेरा आतंक मानती थीं इस समय सब चुप हैं। दरबार में बढ़ बढ़ कर बातें करने वाली मेरी बुद्धि इस समय नहीं बता सकती कि मैं किधर जाऊं। किसी की आहट सुनता है, कोई आ रहा है, मुझे क्या करना चाहिए? क्या कुछ राजपान दिखाऊं? नहीं नहीं, फेंको इस राजपान की ढोंग को, मनुष्य होने का लाभ लो। वनरक्षक का प्रवेश। वनरक्षक, आज मैं बदमाश को पकड़ पाया, तुम कौन हो? राजा, मैं बदमाश नहीं, तुमको विश्वास दिलाता हूँ। वनरक्षक, अच्छी बात है, किसने बंदूक चलाई? राजा, मैंने नहीं चलाई। वनरक्षक तिरस्कर के स्वर में, तुम झूठ बोलते हो। राजा मन में, झूठ बोलता हूँ, कैसे दुख की बात है कि मैं राजा होकर एक अपराधी की तरह सुन रहा हूँ। प्रकट, तुम मेरी बात का विश्वास करो भाई, मैंने बंदूक नहीं चलाई। वनरक्षक, अच्छा अच्छा, इधर आओ, तुमने राजा के एक हिरन को गोली मारी, क्या नहीं मारी? राजा, नहीं, सचमुच नहीं, मैं खुद राजा का बहुत सम्मान करता हूँ, मैंने भी गोली की आवाज़ सुनी और मुझे भय है कि कुछ चोर या डाकू जंगल में छिपे हैं। वनरक्षक, मुझे यकीन नहीं, खैर तुम कौन हो और तुम्हारा नाम क्या है? राजा गंभीर होकर, मेरा नाम? वनरक्षक, हाँ तुम्हारा नाम, तुम्हारा कोई नाम तो होगा ही, क्या नहीं? तुम कहाँ रहते हो और क्या करते हो? राजा, इन प्रश्नों को उत्तर देने का मुझे अभ्यास नहीं है। वनरक्षक, हो सकता है, पर ये प्रश्न है जिसके उत्तर देने से सच्चे आदमी का डर नहीं लगता। खैर, अगर तुम अपने बारे में कोई साफ उत्तर नहीं देना चाहते हो तो मत दो, मगर तुम जाना कहाँ चाहते हो? चलो मैं तुमको बाहर निकाल आऊँ। राजा बोध होकर, तुम किस अधिकार से? वनरक्षक जोश के साथ, मैं राजा का वनरक्षक पुंडरीक हूँ, इस अधिकार से। राजा गौर से देखकर, पुंडरीक? वनरक्षक अकड़ के साथ, जी हाँ पुंडरीक, किसी आदमी को जिस पर मुझे शक होता है और जब तक वह अपना परिचय जितना तुमने दिया है उससे अधिक नहीं देता, मैं इस राह से नहीं जाने देता। राजा, अच्छी बात है भाई, तो मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे तरफ कुछ भी राजा के अच्छे अफसर हो, अगर तुम विश्वास करो। वनरक्षक, नहीं, तुम विश्वास के पात्र नहीं हो। राजा, मैं राजा के एक अफसर हूँ, मैं राजा के साथ इस जंगल में शिकार खेलने के लिए आया था और यहाँ राह भूल गया हूँ। जंगल में मुझे रात हो गई है और मैं घर से बहुत दूर पड़ गया हूँ। वनरक्षक, इसमें सच्चाई की कमी है, अगर तुम शिकार के निकले होते तो तुम्हारा घोड़ा कहाँ है? राजा, घोड़ा थक कर गिर पड़ा, मैंने उसे छोड़ दिया। वनरक्षक, यदि मैं तुम्हारी बात का विश्वास न करूं? राजा, मैं झूठ नहीं बोलता भले आदमी। वनरक्षक, वाह वाह, दरबार में रहते हो और झूठ नहीं बोलते? राजा, खैर तुम जैसा समझो, मगर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, यह मैं तुमको विश्वास दिलाता हूँ। यदि मैं कभी राजधानी में आओगे तो मैं तुमको दिखा दूंगा कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। जेब से 1 रुपया निकाल कर और पुंडरीक को एक और हाथ बढ़ाकर, यह लो इनाम और आज रात को मुझे अपनी झोपड़ी में रहने दो। वनरक्षक राजा का मुंह देखता है, यदि यह काम हो तो सवेरे तुम जो कहोगे वही तुमको दूंगा और खुश कर दूंगा। वनरक्षक जोर से हंसकर, ओहो, अब मैंने माना कि तुम दरबारी हो, आज के लिए तो एक छोटी रिश्वत और कल के लिए एक बड़ा सा वादा, एक ही सांस में दोनों, मगर मेरे दोस्त ये दरबार नहीं है। राजा क्रोध से, तू एक नीच आदमी है, जवान संभाल कर नहीं बोलता, मैं तेरे बारे में अधिक जानना चाहता हूँ। वनरक्षक लापरवाही से, तुम और तेरे शब्द को इस तरह लापरवाही से मत फेंको, मैं भी उतना ही भला आदमी हूँ जितने तुम हो। राजा शांत होकर, क्षमा करो मित्र। वनरक्षक मुस्कुराकर, मैं क्रोध में नहीं हूँ, जब जब
एक तुम्हारी सच्चाई पर मेरा संदेह है, तब तक तुमसे विशेष प्रेम भाव नहीं दिखला सकता। राजा, तुम ठीक कहते हो, पर मैं तुमको कैसे विश्वास दिला सकता हूँ? वनरक्षक, ओ तुम जैसा मुनासिब समझो करो, राजधानी यहाँ से 10 मील यानी 16 किलोमीटर पर है। तुम अभी राजधानी जाना चाहो तो मैं तुमको रास्ता बताऊंगा, और अगर तुम रात भर इस गरीब के घर टिकना पसंद करो तो मेरी सिर आंखों पर रहो, सवेरे मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। राजा, क्या तुम अभी साथ नहीं चल सकते? वनरक्षक, नहीं, चाहे तुम राजा ही क्यों ना हो। राजा, तब तो चलो, मैं तुम्हारे ही घर रात काटूंगा। घोड़े पर सवार एक सरदार का प्रवेश। दरबारी, महाराज कुशल से तो हैं, महाराज के लिए हमने सारा जंगल छान डाला। वनरक्षक चकित होकर आंखें फाड़कर, कौन महाराज? तब तो मुझे बड़ी भूल हुई, महाराज आपके साथ मैंने जो ढिढाई की उसे क्षमा कीजिए। राजा तलवार खींचता है। वनरक्षक, महाराज आप अपने उस सेवक का वध निश्चय ही नहीं करेंगे जिससे ईमानदारी से अपना फर्ज अदा किया। राजा, नहीं, मेरे सच्चे बहादुर मित्र, नहीं, मैं तुमको क्षमा नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे जैसे नेक और सच्चे आदमियों के सम्मान का ऋणी हूँ। उठो राजतंत्र पुंडिरक, उठो, अपने पदवी का प्रमाण और मेरी प्रसन्नता का चिन्ह तलवार लो। तुमने हमें जो सुख दिया उसके लिए 1000 रुपये सालाना का पुरस्कार तुमको जीवन भर मिलता रहेगा। राजा तलवार देता है। पुंडरीक घुटने टेक कर उसे दोनों हाथ से लेता है और माथे से छुआता है, फिर खड़े होकर राजा को प्रणाम करता है। राजा, पुंडरीक, पुंडरीक महाराज, राजा, चलो हमें महल तक पहुंचा आओ, आज तुम मेरे मेहमान रहोगे। पुंडरीक प्रसन्न होकर सिर झुकाकर, जो हुक्म महाराज। राजा सरदार के घोड़े पर सवार होकर चलता है, उसके आगे पुंडरीक रास्ता दिखाता चलता है, सरदार राजा के पीछे चलता है।